ठाकुर आ जाते हैं, बर्तनों को भी उठा के फेंक देते हैं, पानी नहीं। शौचालय मतलब लैट्रिन हमको बन जाएंगी जब वोट देंगे। उस वक्त सरकारों में बैठे ठाकुर ये सुनिश्चित कर रहे होंगे कि खत्म कर दिया जाए ये आरक्षण। सुबह सुबह मैं माँ के साथ जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि रोशनी होने पर लड़के मंडराने लगते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज को यह मलमूत्र अपने हाथों से साफ करने का काम नहीं दिया जाना चाहिए? किशनलाल और उन तमाम आवारा चीखों को इकट्ठा करेंगे, साहेब-ए- मसनद की छाती पर इंकलाब लिखेंगे। 200 करोड़ के घर में रहने वाली हेमा मालिनी की संसदीय सीट मथुरा का ये गांव, जिसका नाम नौगांव है, चमारों का एक गढ़ कहा जाता है। पक्की सड़क से उतरकर नौगांव में दाखिल होते ही बाबा साहेब अम्बेडकर का एक स्मारक, जो कई धब्बे और चकत्तों से अब मैला पड़ चुका है। यूं तो कई सालों से ही आते जाते बड़ी जात वालों से उलाहने सुन सुन कर ये स्मारक मृत ही खड़ा हुआ था, मगर अब इसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अब बस किसी भी वक्त कोई भगवा आंधी आती होगी जो इस स्मारक को नेस्तो नाबूद कर गांव में दाखिल हो जाएगी और किसी ठाकुर के चबूतरे से एक ऐलान कर देगी निष्कासन का, और निष्कासन चमारों का। ज्ञान देवी कहती हैं, हम रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, कलसा लेकर घर से 3 किलोमीटर दूर नल तक जाते हैं। यूं तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले पहुंचकर जल्दी से पानी लेकर अपने घर लौट आएं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। हम वहां पहुंचते ही हैं कि गांव के ठाकुरों की भीड़ वहां मौजूद मिलती है, जो हमारे बर्तन उठाकर अलग फेंक देती है। हमें दुत्कारा जाता है, हम चमार हैं ना। वो हमें इसलिए पानी नहीं भरने देते क्योंकि हम छोटी जाति के हैं। हमारे यहाँ जो पानी आता है वो इतना खारा होता है जिसे हम खाने या पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठाकुर कहते हैं ये नल हमारा है, यहाँ बस हम ही पानी भर सकते हैं, तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। पानी की ये समस्या है कि सवेरे 4 बजे उठते हैं, फिर पानी लेने जाते हैं, सर पर रखनी है, बाल्टी है जो भी कलसा वगैरह उसमें बनने जाते हैं, वहाँ पे भी भीड़ हो जाती है, ठाकुर आ जाते हैं, बर्तनों को भी उठा के फेंक देते हैं, पानी नहीं भरन देते, रीते लौट के आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बच्चे पानी मांगते हैं, रोते हैं पानी के लिए, फिर लेने जाते हैं, वहाँ पर 2-3 बार भगा देते हैं, आ जाते हैं ले ले करके पानी को, जब बच्चे पानी पीते हैं, नहीं भरन देते तो फिर प्यासे रहते हैं, खारा फारा पानी पिलाना पड़ता है बच्चों को। दूर यहाँ से कम ऐसा हो 3 किलोमीटर दूर। तस्वीरों में दिख रहा ये घर कच्ची मिट्टी के सहारे लंगड़ाती दीवारों पर तिरछा खड़ा हुआ है। एक रस्सी है जो अपनी पीठ पर सबके कपड़े लादे हुए सालों से पेट के बल हवा में झूल रही है। यही इस दलित परिवार का वार्डरोब है। लाखों की डिजाइनर साड़ी पहनने वाली यहाँ की भाजपा सांसद ने गांव में हर घर जल के पोस्टर तो लगवा रखे हैं, मगर गांव से जल गायब है। घरों के आंगन में रेंगती हुई ये जहरीली नालियाँ और इनके ही इर्द गिर्द खेलते हुए दलित बच्चे कल जब नौकरी के लिए बड़े बड़े शहरों का रुख करेंगे तो एक ठाकुर का बच्चा जो कॉन्वेंट से पढ़कर आया होगा कहेगा, आ गया आरक्षण लेने, आ गया हमारा हक मारने। उस वक्त सरकारों में बैठे ठाकुर ये सुनिश्चित कर रहे होंगे कि खत्म कर दिया जाए ये आरक्षण। दलितों की बेटियां और दलितों का पैसा किसी बड़ी जाति के छोटी सोच वाले के लिए अछूत कभी नहीं हुआ। पैसे बर्तन खराब हो जाते तो पैसे लेने आते हैं, पैसे उगाते हैं जब। अच्छा, पैसे में नहीं कहते कि ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा पैसा हम क्यों ले? हम नहीं कहते, जब पैसे ले लेते बनवाने के लिए। ज्ञान देवी कहती हैं, नल जब जब खराब हुआ हमसे हमारा छुआ हुआ पैसा तो ले लिया गया, पैसे की कोई जाति नहीं होती, लेकिन पानी फिर भी नहीं भरने दिया गया। ज्ञान देवी और ज्ञान देवी जैसी कई महिलाएं जो मजदूरी करके घर का चूल्हा चलाती हैं अपने बच्चों को पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रही हैं। उनकी वजह ये है कि जो कहते हैं हमारे तुम चमार हैं, तुम जे हैं, हमारे खेचू पे क्यों आते हैं पानी भरने, हमारी जगहों में लगाए क्यों आते इस पे पानी भरने के लिए, आपने अपने जैसा है आपका ऐसा पियो, तुम हमारे यहाँ पर क्यों आते हैं पानी भरने के लिए। नौगांव के महिलाओं को शौच के लिए आज भी खेतों में जाना पड़ता है। वोट जब ही देंगे हम, जो हमको पानी की सुविधा आ जाएगी और जो महका जी जो मतलब नाली सफा कर आदमी लग जाएंगे, शौचालय मतलब लैट्रिन हमको बन जाएंगी जब वोट देंगे। लैट्रिन नहीं बनी अभी गांव? नहीं बनी है गांव में, बहुत परेशानी आ रही है महका जी, और खेतन में जाएंगे लैट्रिन करोगे तो खेतन वाले मार पीट के भगा देते बच्चों को। यहाँ तो बोर्ड पे लिखा है हर घर जल, मोदी जी ने लिखवाया है सबको जल, लिखे लिख जाए पर हमें कोई व्यवस्था नहीं है। जुलाई 2022 में WHO और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी
इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भी भारत की 17% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है। दुनिया भर में 1 अरब लोग शौच के लिए खेतों में जाते हैं। इनमें से करीब 60% लोग भारत में रहते हैं। इसी गांव में रह रही एक किशोरी बताती है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमें शर्म आती है। सुबह सुबह मैं माँ के साथ जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि रोशनी होने पर लड़के मंडराने लगते हैं। शर्म और संकोच के चलते वहाँ महिलाएं तड़के सुबह और देर शाम ही खेत जाती हैं, मानो यह समय उनके लिए आरक्षित हो। दिन के 14-15 घंटे शौचालय की सुविधा का ना होना तकलीफदेह हो सकता है। बहुत पूछने पर महिलाएं बताती हैं कि अक्सर घर में एक तसला इस्तेमाल करती हैं ताकि लड़कियों को दिन में खेत ना जाना पड़े। बार बार इस्तेमाल से तसला गंदा हो जाता है तो उसे जल्द फेंक दिया जाता है। भारत में शौच के लिए खेतों की ओर जा रही औरतों के रेप और कत्ल की कई वारदातें हुई हैं। महज शौचालय जाना एक लड़की के लिए कितना घातक हो सकता है, यह तब सामने आया जब बदायूं में एक रात को खेत गई 2 लड़कियों का कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या करके उन्हें पेड़ से लटका दिया गया। अपना नाम छुपाने की शर्त पर एक सफाई कर्मचारी ने कहा, सुपरवाइजर हम पर काम करने का दबाव डालता है, हम नीचे उतरते हैं तो सांस नहीं आती, वहाँ बहुत घुटन होती है और शहर भर के मैल में बिना कपड़ों के पूरा डूब कर हमें सफाई करनी पड़ती है, हमें ना ऑक्सीजन दी जाती है, ना मास्क, ना ग्लव्स और ना ही बूट दिए जाते हैं। 30 साल बीत गए, कोर्ट ने भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले इस पितृसत्तात्मक समाज में आज भी दलित और इनमें भी जाटव और वाल्मीकि समाज के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर जमीन के नीचे बह रहा पूरे शहर का मलमूत्र अपने हाथ से साफ करना पड़ रहा है। ऐसे सफाई कर्मचारियों को मैनुअल स्कैवेंजर्स कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज को यह मलमूत्र अपने हाथों से साफ करने का काम नहीं दिया जाना चाहिए? भाई, इससे समानता भी बढ़ेगी और जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनकी ये मंशा पूरी होने को गति भी मिलेगी। लेकिन सवाल है कि ये जातिवादी, अमानवीय और आधिकारिक तौर पर अवैध प्रथा आज भी क्यों प्रचलित है? पॉलिटिक्स की चुनावी यात्रा के दौरान हमारे साथी राघव ने ऐसे ही कुछ कर्मचारियों से बात की, आप भी सुनिए। हम चाहते हैं कि उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कर्मचारियों के खाते में उनका औजार का पैसा दिया जाए और पुरानी पेंशन हम लोगों की एक बुढ़ापे की जो लाठी है उसको जरूर दिया जाए। सफाई के संबंध में भी अगर हमारे जैसे देखा जाए तो रोस्टर अनावश्यक रूप से लगाए जाते हैं, अनावश्यक रूप से ड्यूटियाँ ली जाती हैं, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, जो हम लोगों का टाइमिंग है उस हिसाब से ड्यूटी ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या है समस्या है? हर प्रकार की है, जैसे कि मान लीजिए हमारा वेतन है, वैसे तो हमारा निर्धारित समय 1 तारीख को होता है, मिल जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाता तो कभी 7 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, कभी 15 हो जाता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2013 और 2018 में किए गए 2 सर्वेक्षणों के अनुसार सरकार का अनुमान है कि 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, लेकिन यह आंकड़ा सही नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या इसके 10 गुने से भी बहुत ज्यादा होने का अनुमान है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बिजवारा विल्सन ने बताया, जब हम अधिकारियों को बताते हैं कि हमारे पास 200 मैला ढोने वालों की सूची है तो वो इससे इनकार करते हैं, वो कुल संख्या घटाकर 20 कर देते हैं। वे 20 मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास की वास्तविकता प्रस्तुत करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। जब मैनुअल मैला ढोने वाले काम को बंद कर देते हैं तो उनके पास रहने, खाने पीने के संसाधन नहीं बचते। 40,000 रुपए की एक मुश्त सरकारी राहत अक्सर 6 महीने से लेकर 8 साल तक के लंबे समय के बाद उन्हें मिलती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2013 से 18 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई करते समय कम से कम 347 लोग मारे गए। आपके बच्चों को जिस साफ सुथरी जमीन पर फल फूलने की सहूलियत मिली हुई है उसी जमीन के नीचे एक नरक बसर करता है। इस नरक की एक अपनी दुनिया है जहां कई चीखें आवारा घूमती फिरती हैं। इन चीखों को सुनने के लिए तुम्हें सवर्ण होने का मिथ्या दंभ उतार कर दलित होना पड़ेगा। इंदु देवी अपने 3 बच्चों के साथ तिमारपुर की झुग्गी में रहती हैं। 4 साल पहले इंदु के पति किशन लाल को सीवर की जहरीली गैस ने गला घोंट कर मार डाला। ऐसी न जाने कितनी इंदु के किशन लाल को यह नरक निगल गया है।
न जाने कितने इंदु और उनके बच्चे इस फिराक में बड़े हो रहे हैं, एक दिन उसी नरक के मुंह में कुदाल लेकर दाखिल होंगे। किशनलाल और उन तमाम आवारा चीखों को इकट्ठा करेंगे, साहेब मसनद की छाती पर इंकलाब लिखेंगे। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।